महामारी के दौरान काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके 50 दिन के हड़ताल के समय का भुगतान किया जाएगा। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण से भी लड़ रही हैं। प्रदेश में 6% कुपोषण कम हुआ है। हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने मंत्री अनिला भेड़िया से खास बातचीत की। में महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण का काम किस तरह से चल रहा है, ये ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मंत्री अनिला भेड़िया जी हैं और हम उनसे जानकारी करते हैं। मैडम, किस तरह से संकट काल में योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन हो रहा है अभी? हमारे कोरोना महामारी के दौरान पूरे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के माध्यम से हम लोग सूखा राशन जो हितग्राही है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के हितग्राही है, उन्हें चाहे गर्भवती माताएं हों चाहे एनीमिया के शिकार माताएं हों, उनके तक सूखा राशन पहुंचा रहे हैं। और 6 माह से 6 साल के बच्चे हमारे जो आंगनबाड़ी के हितग्राही हैं उनके तक रेडी टू ईट पहुंचाया जा रहा है। और पूरे विभाग के अमला इसमें लगे हुए हैं। तो इससे लॉकडाउन के दौरान आप लोग सुपोषण आहार योजना शुरुआत किए, और कोई ऐसी योजना है जो जनता के लिए आप लोग समर्पित किए? बिल्कुल, अभी तो यही महत्वपूर्ण योजना है जहाँ कम से कम हमारी जनता को राशन नहीं मिल रहा है, उनकी सहयोग दवा की जरूरत है, तो ऐसे सब पहुँचाने के लिए हमारे कार्यकर्ता और सहायिका उसी में व्यस्त हैं। और अभी तो इस लॉकडाउन में भी जो स्वास्थ्य के बारे में भी महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही उनकी जानकारी लेना है, तो ये भी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उनके घर घर जाके उनकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी दें, अगर कुछ गड़बड़ है तो उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक या प्रशासन तक भी दें। सीएम जैसे सत्ता में आते ही आपके कांग्रेस सरकार सत्ता में आए उसके बाद कुपोषण को लेकर एक जंग की तरह लिए, रणनीति बनाए, दल बल के साथ काम किए, अभी नतीजा क्या रहा है? पहले 47% कुपोषण था, इसमें क्या कुछ कमी आई? बिल्कुल, अभी जो अभियान चला है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान में उसमें सारे प्रशासन और शासन लग गए हैं, इससे 6% की कमी अभी आई है। तो जो 3 साल तक हमारे पूरे प्रदेश को सुपोषित करने का बीड़ा उठाए हैं मुख्यमंत्री जी, तो संभव है इसमें ऐसी तरह की इसी तरह की अगर पूरा शासन प्रशासन और हमारे प्रदेश की जनता साथ देंगे तो जरूर इसमें कमी आएगी। लॉकडाउन के दौरान भी कुपोषण में कमी होना कहीं इस उपलब्धि से कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम करना चुनौती से कम नहीं है। तो आगे इसमें किस तरह से काम किया गया, क्या रणनीति अपनाया गया, कुपोषित बच्चों को कितना आहार दिया गया? नहीं, हम लोग तो उसमें कमी नहीं कर रहे हैं, भले कोरोना महामारी गरम भोजन नहीं खिला पा रहे हैं, उन्हें पका के नहीं दिया जा रहा है, पर हम सूखा राशन जो प्रोटीन है विटामिन है जो मिलना चाहिए उनको वो अभी हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और जहां पे और अतिरिक्त बजट कलेक्टरों के माध्यम से DMF फंड से देते थे जिला अधिकारी लोग, तो DMF फंड के माध्यम से भी ऐसे जो कुपोषित बच्चे एनीमिक महिला है उन्हें भी दिया जा रहा है। गर्भवती महिला और छोटे बच्चे, इनके लिए आपका विभाग खास काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो भी दिया जा रहा है, तो लॉकडाउन में उनका सुरक्षा कैसे कर रहे हैं आप लोग, उन तक उनका आहार से लेकर तमाम? स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से या हमारे आंगनबाड़ी की महिलाओं के माध्यम से उसकी स्वास्थ्य की मितानिन बहने के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की परीक्षण भी करा रहे हैं, उनके घर तक सूखा राशन भी पहुंचा रहे हैं। राजधानी में पीलिया का प्रकोप है और अब तक 3 गर्भवती महिला और जच्चा बच्चा की मौत हो चुकी है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, थोड़ा सा परेशानी तो है ये पीलिया की, अभी जो हमारे रायपुर राजधानी में हुआ है, फिर भी शासन की ओर से पूरी प्रयास है और स्वास्थ्य विभाग भी इसमें लगे हुए हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब आगे चल के कंट्रोल हो जाएगा। और साफ सफाई में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, नालियों का, तालाबों का, क्योंकि गंदगी की वजह से ही पीलिया और ये सब पानी की वजह से ही होता है, तो ये सब में पूरा विशेष हमारे महापौर जी भी लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं और पूरे शासन प्रशासन लगा है, तो जरूर इसमें कंट्रोल आ जाए। तो अभी आपने मंत्री अनिला भेड़िया को सुना, जिनका साफ कहना है कि अभी हमारा पूरा प्रयास जारी है, जितने जरूरतमंद है उन तक पोषण आहार पहुंचाया जा रहा है। और एक और सूचना इसमें यह है कि जो हमारे 47% का कुपोषण दर था वो घटकर 31% हो गई है, ये कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत की नतीजा है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।